जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो हम ट्राई करते हैं कि हमें एंटिसिपेट रिबेल यानी अग्रिम जमानत मिल जाए, और सपोज हमें अगर जेल हो जाती है तो हम ट्राई करते हैं कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से या फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से हमें बेल मिल जाए और हम बाहर आ जाएं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको एक बार बेल मिल गई और अनुसंधान के दौरान यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई नया ऑफेंस जुड़ जाता है, अगर पुलिस को कोई नया एविडेंस मिलता है और वो एक नई धारा जोड़ देती है, तो क्या आपको दी गई बेल कैंसिल हो सकती है? और अगर आप विक्टिम है यानी आप परिवार दिया जा रही है, आपने कंप्लेंट करी है और आपको लगता है कि अगर किसी एक्यूज्ड को आरोपी को बेल मिल गई है तो क्या अनुसंधान के दौरान जोड़ी गई कोई धारा से क्या आप उसकी बेल को कैंसिल करा सकते हैं? अगर आपके दिमाग में भी ये प्रश्न है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में इस इश्यू पे एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और बताया है कि क्या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई नया ऑफेंस जोड़ने से दी गई बेल को कैंसिल किया जा सकता है या नहीं। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी और आपको बताता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे लीगल अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या या केस है जिसमें आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारी टीम से बात करके घर बैठे अपने कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो उन्होंने बेल यानी जमानत के कानून पे दिया है और बताया है कि किन कंडीशन में बेल कैंसिल होगी, क्या आपको नई फ्रेश बेल लेनी होगी, सारे तथ्यों को और सारे कानून को उसमें डिस्कस डिटेल में किया है। सबसे पहले हम उस जजमेंट का नाम जान लेते हैं, उसका नाम है मिसेस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 सुप्रीम कोर्ट। मैंने इसे लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके उसका डिटेल एनालिसिस पढ़ सकते हैं। इस केस के फैक्ट्स पर अगर हम बात करें तो आपको बताएं कि सबसे पहले इस केस की जो कंप्लेनेंट थी, जो परिवादी थी यानी जिसको हम कानून की भाषा में प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं, उसने एक एफआईआर दर्ज कराई कि जो एक्यूज्ड यानी जो आरोपी है उन्होंने मुझे बिजनेस एग्रीमेंट्स के नाम पर मेरा रेप किया और मुझे ये वादा किया कि वो मुझे कोई ना कोई असाइनमेंट दिलाएंगे और इस धोखे में मेरे साथ गलत काम किया। इसके ऊपर उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर जब इनिशियल दर्ज हुई तो 354 और 506 आईपीसी में दर्ज हुई। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ा और गिरफ्तार किया। जब वो एक्यूज गिरफ्तार हो गए तब उसके बाद एक्यूज ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी रेगुलर बेल लगाई और ये रिक्वेस्ट करी कि मुझे बेल दे दी जाए क्योंकि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ नहीं। मजिस्ट्रेट ने बेल ग्रांट कर दी। जैसे ही बेल ग्रांट करी, जो कंप्लेनेंट थी यानी जो परिवादी थी वो पहुंची हायर अथॉरिटीज के पास। पुलिस के हायर अथॉरिटीज में जब वो पहुंची तो उन्होंने कहा कि जब मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी तो उसमें ये एलिगेशन मैंने लगाया था या मैंने ये अवर्नमेंट लिखा था कि मेरे साथ उस एक्यूज ने रेप कमिट किया है, और जब रेप कमिट किया है तो आपने 376 आईपीसी क्यों इम्पोज नहीं किया। दोस्तों 354 बात करता है सेक्सुअल हरेसमेंट की और 376 आईपीसी बात करता है रेप की। इनिशियली जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी तब 354 इम्पोज किया था, इसलिए उन्हें मजिस्ट्रेट से बेल मिल गई। लेकिन जब सेकेंड टाइम जब सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया कंप्लेनेंट ने, तब उन्होंने बोला कि 376 भी इम्पोज किया जाना चाहिए, तो पुलिस ने उसी एफआईआर में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन 376 आईपीसी को भी ऐड कर दिया। जब 376 आईपीसी ऐड किया तो पुलिस ने इमीडिएटली बेल कैंसिलेशन लगाई उस एक्यूज की और ये रिक्वेस्ट करी कि पर्सन की बेल कैंसिल कर देनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर 376 आईपीसी जैसा सीरियस ऑफेंसेस इम्पोज्ड है। लर्नेड मजिस्ट्रेट ने इमीडिएटली उनकी बेल कैंसिल कर दी। जैसे ही बेल कैंसिल हुई वो एक्यूज पहुंचे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में उन्होंने लगाई एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेट यानी 438 सीआरपीसी, और ये कहा कि ये जो एलिगेशन है वो बिल्कुल झूठे हैं, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस सीरियस नहीं है और कहीं ना कहीं हमारा आपस में कंसेंट है, इसलिए मुझे ये अग्रिम जमानत दे दी जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद उन्हें 438 यानी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी। जैसे ही उन्हें एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हुई जो कंप्लेनेंट है वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दो पॉइंट पर आर्ग्यू किया। पहला कि हाईकोर्ट वॉज रॉन्ग कि वो 438 की जो बेल ली है वो गलत ली थी, और सेकेंडली अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर कोई नया ऑफेंस जुड़ा है तो उसके अंदर उस पर्सन की गिरफ्तारी हो सकती है, और यही दो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के पास आए। तो जब पहला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया 438 का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 438 जब हम किसी को ग्रांट करते हैं या किसी को मना करते हैं तो हमें कुछ 4-5 फैक्टर्स को देखना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कितना है, कि कितना सीरियस ऑफेंस है, क्या इस ऑफेंस से या किस इस एफआईआर से किसी की हम रेपुटेशन को मैलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, या अगर ऐसा लगता है कि ये प्राइम एफेसी फर्जी केस है और जस्ट बिकॉज किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए किया गया है तो 438 ग्रांट करनी चाहिए। और जब आप 438 ग्रांट करेंगे तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि कहीं वो आरोपी बेल मिलने के बाद जो विक्टिम है या जो उसके गवाह है उसको कि धमकाएगा तो नहीं,
क्या वो विटनेसेस को धमकाने के साथ साथ जो एविडेंस है उनको कहीं टेम्पर तो नहीं करेगा। इन सब बातों को देखने के बाद ही आपको 438 के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 376 आईपीसी एक सीरियस ऑफेंस है, इसके ऊपर हाईकोर्ट को लीनेंट व्यू नहीं लेना चाहिए था और एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट करने से पहले उस ऑफेंस की नेचर और ग्रेविटी को देखना चाहिए था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि हाईकोर्ट ने ये गलती करी है 438 बिल देते हुए। दूसरा मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया तब उन्होंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया कि अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर कोई नया ऑफेंस ऐड होता है तो क्या बेल कैंसिल हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसा कि हमने इस केस में देखा इनिशियली 354 आईपीसी थी, लेकिन जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने सप्लीमेंट्री अपने स्टेटमेंट दिए कंप्लेनेंट ने, तब पुलिस ने 376 आईपीसी को भी ऐड किया। तो अभी सवाल उठा कि जब इनिशियली बेल मिल गई और अब कोई नया अपराध यानी जो नई सेक्शन इम्पोज की गई है तो क्या उस पर्सन की बेल कैंसिल हो सकती है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2019 सुप्रीम कोर्ट का वापस जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 2019 में इस इश्यू को डिस्कस कर रखा है और इसको हमने लॉ सेटल कर दिया है, और ये कहा कि अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई नया ऑफेंस जुड़ता है, कोई नई धारा इम्पोज होती है, तो दी गई बेल कैंसिल हो सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बार बेल मिल गई है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई नया एविडेंस आता है या कोई नई सेक्शन इम्पोज होता है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉ लेट डाउन कर दिया है कि अगर आपको कोई नया सेक्शन इम्पोज करोगे तो आपकी बेल कैंसिल हो सकती है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, हाईकोर्ट वॉज रॉन्ग इन ग्रांटिंग द 438 सीआरपीसी बेल, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी उनका क्लेम नहीं बनता, और यस, बेल कैंसिल की जा सकती है अगर आप ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई नया ऑफेंस जोड़े तो। तो दोस्तों, इस जजमेंट से हमें एक बात क्लियर होती है कि अगर आप आरोपी हैं किसी एफआईआर में या एक्यूज्ड हैं और अगर आपको बेल मिल गई है और आपको पता लगता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई नया ऑफेंस जुड़ गया है तो आपको फ्रेश बेल अप्लाई करनी होगी। और साथ साथ अगर आप विक्टिम हैं यानी आप परिवादी हैं, आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई है और आपको लगता है कि किसी एक्यूज को बेल मिल गई है और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई नया सेक्शन इम्पोज होता है तो आप इमीडिएटली बेल कैंसिलेशन लगा सकते हैं। बेल कैंसिलेशन अगर आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने लगानी है तो 437 सब प्लस 5 सीआरपीसी का यूज़ करना होगा, और यही बेल कैंसिलेशन अगर आपको सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में लगानी है तो 439 सब प्लस 2 सीआरपीसी का यूज़ करना होगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको ये जजमेंट क्लियर हुआ होगा और ये लॉ की परिभाषा भी क्लियर हुई होगी कि अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नया ऑफेंस जोड़ा है तो बेल कैंसिल की जा सकती है। आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमें कमेंट्स में जाके बताइए कि अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप हमारी टीम से बात करके घर बैठे कानून समस्या का समाधान पा सकते हैं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।